हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको अपने एक और ऑनलाइन स्टूडेंट से मिलवाना चाहूंगा। नाम है सुमित कुमार, मेरिट का स्टूडेंट है और इसने सेकंड ईयर से एमसीए का कोर्स बाय किया, पढ़ाई कर रहा था और भोपाल में वन वीक के एक्सपीरियंस के लिए आया। मैं आप सभी ऑनलाइन स्टूडेंट को एक बात हमेशा बोलता हूं, अगर आपको कभी भी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो डेफिनेटली एक हफ्ते आके यहाँ पर एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और क्योंकि अभी ये सेकंड ईयर में, तो इसको पूरे अभी इस साल के बाद नेक्स्ट ईयर भी प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा, तो ये आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा। पर जब ये आया यहाँ पर, तो इस समय यहाँ पर तीन तीन बैचेस चल रहे हैं, एक बैच वो जो पुराना है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि जो बच्चा टाइम पे क्लास ज्वाइन करता है उसको क्या क्या एडवांटेज होता है। जैसे ओल्ड स्टूडेंट के लिए इस समय एक ही समय में एक टॉपिक चल रहा होता है, जो उसके बाद आए उनको दो टॉपिक पढ़ने हैं, जो बिल्कुल अभी अभी आए वो तीन टॉपिक पढ़ने हैं। यही बात मैंने अभी सुमित को भी समझाई कि आपको तीन नहीं पढ़ने, क्योंकि आप वन वीक आए थे, अटेंड जरूर करें इसने तीन टॉपिक, पर अभी इसको एक ही टॉपिक पढ़ना है। पर जो अभी फाइनल ईयर में है या जिसने ड्रॉप लिया और अब उसने सोचा है कि प्रिपरेशन करनी है, तो ऑब्वियसली उसको एक्स्ट्रा लेबर तो करनी ही पड़ेगी, ये एक प्रॉब्लम आता है। तो सुमित, मैं जानना चाहूंगा कि आपने अभी सारे बैच ही अटेंड किए, वो बैच भी जो नया था, एक वो भी जो बिल्कुल नया था और एक वो जो ओल्ड बैच था, तो क्या आपका एक्सपीरियंस था? और पेनड्राइव से जब आप पढ़ाई करते थे, तो क्योंकि पेनड्राइव वाले स्टूडेंट जितने भी आए, उनकी एक कॉमन मिस्टेक जो मुझे समझ में आई कि वो कई बार जब घर पे पढ़ते हैं तो वो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस कम करते हैं। पर यहाँ आपने जैसे देखा कि क्लास में बहुत धीरे धीरे टॉपिक को चलाते हैं और थोड़े थोड़े पोर्शन को कवर करते हैं, तो क्या डिफरेंस लगा और अब आप अपने पढ़ने में क्या क्या चेंजेस लाएंगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपको आगे बहुत काम देने वाला है। तो मेरा नाम सुमित है, मैं बीसीए सेकंड ईयर में हूँ। मैंने सेकंड सेमेस्टर में पेन ड्राइव खरीद लिया था, लेकिन मैं तब उसे किसी वजह से पढ़ नहीं पा रहा था। तो मैंने जब थर्ड सेमेस्टर में पेन ड्राइव को पढ़ना शुरू किया अगस्त से, तो मेरा कुछ कॉन्फिडेंस लेवल लो था कि मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस लेने आया। यहाँ पर मैंने देखा कि बच्चे तीन तीन बैच रेगुलर क्लास ले रहे हैं, तो उससे मैं थोड़ा बर्डन फ्री फील हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास टाइम है, मेरा 21 में निमसेट का एग्जाम होगा। तो इसी तरह से सर ने बताया कि आपको, सर ने एक पैटर्न बताया कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। सर ने बताया पहले आपको सब्जेक्टिव बुक सॉल्व करनी है और सेल्फ स्कोरर तो अभी आपको उठानी भी नहीं है। तो उसी तरीके से मैंने अपना एक पढ़ाई का शेड्यूल बनाया कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है घर जा करके। और सर ने यह भी बताया कि आपको जितने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको उतना ही अच्छी तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। एक मेरा ये भी है कि सर ने बहुत ही बेसिक से पढ़ाया। यहाँ पे मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं चीज़ें बेसिक से स्टार्ट नहीं कर रहा था। उससे क्या होता था कि मैं आगे जाके थोड़ी बहुत गलतियाँ कर देता था, लेकिन अब जैसे सर ने बताया, ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक से स्टार्ट करी, उससे कुछ चीज़ें रिकॉल हुई जो मैं याद थी, लेकिन मैं उन्हें प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त उन्हें लगा नहीं पाता था। तो इस तरीके का एक्सपीरियंस रहा और मैं थोड़ा बर्डन फ्री फील कर रहा हूँ कि, और मैं कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है कि मैं अब घर जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ। तो ये सब है। और सर ने ये भी बताया कि अभी आपको सेल्फ स्कोरर तो करनी नहीं है, सब्जेक्टिव बुक में जो क्वेश्चंस है वे करने हैं। सेल्फ स्कोरर के सर ने ये बताया कि अभी आपको ऑर्डिनरी लेवल के क्वेश्चंस करने हैं सिर्फ। उससे क्या होगा, आपका कॉम्पिटेटिव लेवल का एक अच्छा आइडिया बनेगा इस साल, और नेक्स्ट ईयर आपको सिर्फ सेल्फ स्कोरर करनी है और कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। तो दैट्स ऑल, यही है मेरा एक्सपीरियंस। देखिए, जैसे अभी सुमित ने बताया, पर मैं कुछ और एक बात और बोल दूं कि ये अभी सेकंड ईयर में है, तो मेरा सजेशन हर एक के लिए अलग अलग होता है। आप में से बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों को स्पेशली एक बात बोलना चाहूंगा, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में केवल बेस बुक पे फोकस करना है। मतलब आप बेस बुक में आरडी शर्मा सॉल्व करें, अगर ऑब्जेक्टिव करते हैं तो केवल ऑर्डिनरी थिंकिंग के क्वेश्चंस ही करें, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं करने। जो पेन ड्राइव के भी दो पार्ट हैं, फाउंडेशन, मेंस, एडवांस और मिक्स क्वेश्चंस, उसमें भी फाउंडेशन पे फोकस करना है, आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है। और आपने देखा कि यहाँ पर जो बच्चे लेट ज्वाइन किए उनके लिए है ये, क्योंकि जिनको एग्जाम 20 में देना है उनके पास 8 महीने, पर जिनको एग्जाम 21 में देना है उनको 8+12 यानी 20 महीने, और जिनको 22 में देना है उनके पास 32 मंथ्स है। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम, अकॉर्डिंग टू टाइम पढ़ाई करना चाहिए। तो मेरा आपको यही सजेशन है, जो आपने एक हफ्ते का एक्सपीरियंस लिया, कि आपको हर एक चीज पे बहुत फोकस करना है। दूसरी बात, जैसे क्लास में बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है, वैसे ही पेनड्राइव में भी है, तो पहले बेसिक पे ध्यान देना है। अक्सर मैथ्स वाले बच्चे गलती करते हैं, आपने अच्छा पॉइंट बताया, ये हो सकता है कुछ ये पहली बार इस पॉइंट को भी समझा, कि कई बार मैथ्स वाले स्टूडेंट को लगता होगा कि हमें ये बेसिक आता है, पर नहीं, उसको भी देखना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया निकल के आता है। जब भी टफ एग्जाम की पढ़ाई करनी, जब भी लंबा दौड़ना हो या लंबी छलांग लेनी है, तो पीछे से दौड़ना पड़ता है। तो बेसिक पे बहुत ध्यान रखते हुए पढ़ाई करें, कहीं कंफ्यूज ना हो, और जो चीज यहां पर एक्सपीरियंस ली है उसको अकॉर्डिंग अब एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलो, बेस बुक के साथ साथ। यही बोलना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।